राजस्थान की चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें सभी योद्धा आपस में भिड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में मौजूदा सीएम की झालरापाटन सीट बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से 65 साल की वसुंधरा राजे और कांग्रेस की ओर से 56 साल की मानवेंद्र सिंह आमने सामने हैं। ऐसे में जरूरी है कि दोनों नेताओं के बारे में हम जान लें। वसुंधरा राजे। एमपी के ग्वालियर घराने की बेटी वसुंधरा राजे ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने 1984 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, जिसके बाद उनका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता गया। 2003 और 13 में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भाजपा को जीत दिलाई। पिछले विधानसभा में 200 में से 163 सीटें जिताकर राजे ने अपना सिक्का मनवाया। वह 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुकी हैं। अटल सरकार में वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। वह राजस्थान की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी और 2 बार सीएम की कुर्सी पर काबिज रही हैं। मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह अटल सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं। पेशे से पत्रकार रहे मानवेंद्र ने आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1999 में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर से पॉलिटिक्स में कदम रखा, पर नाकाम रहे। वह बीजेपी से 2004 में एक बार सांसद और 2013 में एक बार विधायक रह चुके हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने स्वाभिमान रैली निकालकर बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और अब झालरापाटन से वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे झालरापाटन की सीट पर वसुंधरा का दावा काफी मजबूत है, क्योंकि ये उनकी परंपरागत सीट है जहां से वो हर बार विजयी रही हैं। लेकिन मानवेंद्र के इसी सीट पर दाव ठोकने पर यहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार इस सीट पर बदलाव देखने को मिलेगा या फिर हर बार की तरह वही कहानी दोहराई जाएगी, जिसके लिए 11 दिसंबर का इंतजार करना होगा।